अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर एवं राजाई हॉस्पिटल गोरखपुर के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को श्रीमती मालती पांडे बालिका इंटर कॉलेज कस्तियां के प्रांगण में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 452 मरीजों की जांच हुई, उनमें 187 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। 452 मरीजों में 129 मरीजों को चश्मा दिया गया और सभी को दवा मुफ्त दी गई। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित मरीजों का इलाज एवं ऑपरेशन निशुल्क रूप से राजाई हॉस्पिटल गोरखपुर में कराया जाएगा। रोटरी के संरक्षक राकेश जायसवाल ने फीता काटकर इस निशुल्क नेत्र जांच शिविर का उद्घाटन किया। अध्यक्ष डॉक्टर एमएच खान ने बताया कि विगत अप्रैल माह में रोटरी ने कस्तियां के जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में नेत्र जांच शिविर लगाया था, जिसमें 365 लोगों ने आंखों की जांच कराई थी तथा चिन्हित सैकड़ों मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन गोरखपुर में हुआ था। कार्यक्रम के संयोजक एवं रोटरी के निदेशक शैलेंद्र त्रिपाठी सोनू ने बताया कि क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों के आंखों का निःशुल्क इलाज व चिन्हित मरीजों के ऑपरेशन में रोटरी की पूरी टीम हर संभव मदद करती रहेगी। रोटरी के सचिव वाहिद अली ने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों, मरीजों, नेत्र परीक्षण कर्मियों व रोटरी के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों के प्रति सफल आयोजन हेतु आभार व्यक्त किया। सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन कसियां स्थित मालती पांडे बालिका विद्यालय में किया गया है, जिसमें अब तक 452 लोगों ने पंजीकरण कराया है। उसके उपरांत जो मोतियाबिंद के जो शिकायत जिसके अंदर है वो अभी तक 187 लोग चिन्हित हुए हैं। जैसा कि अभी यहाँ राजाई हॉस्पिटल के सारे लोग हैं, तो इन लोगों का जो मोतियाबिंद के लिए चिन्हित होंगे, इनका ऑपरेशन जो है गोरखपुर में राजाई हॉस्पिटल केंद्र में कराया जाएगा।